मुस्तफा हम लोग चाय बनाने जा रहे हैं तो हम हाँ। लोग देसी चूल्हा में प्रॉपरली बनाएंगे और थोड़ा नजदीक लाइयो हमें ये भी दिखाने का है। यार शेर आएगा ना तो मैं उसका ना व्लॉग बना दूंगी। शेर ही तुम्हारे को लेके जाएगा व्लॉग बनाने के लिए। ओ हेलो हाय गाय मारेगा। अरे इतनी प्यारी गाय लग रही थी, ये क्यों मारेगी हमको? ये तो कैक्टस ट्री है, इसमें पानी रहता ना, जल पानी समथिंग। बाघ आता है कि नहीं, कि खाली गुफा दिखती रहती है? गुफा वे बाघ भी आता है ना। क्या टाइमिंग्स है वो बता दे। भैया भैया 10 रुपए दो, आज स्कूल नहीं जाना है, आज मेरे को घर जाना है। पानी है ना, हम लोग अभी मिमोजा प्लांट में हाथ लगाने वाले हैं, जिसको कहते हैं छुई मुई का झाड़। आओ भाई दिखाओ, ये रहा, बंद हो जाता है। वाओ इसमें प्यार करते मेरे को, कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, देखो ये। हाँ यार कितने सारे बेचारे लोग, अभी बहुत सारे हो गए। मैं पर्पसली स्कूल का वीडियो दोबारा ले रही हूँ, मैं और ये मेरी कजिन दीदी है, हम दोनों के पापा जो यहीं से पढ़े। मैं दिखाऊंगी तो इमोशनल हो जाएंगे, रोएंगे यहाँ स्कूल का वीडियो देख के। अब्बा वाओ वैसा अच्छा, इनका भी आधार कार्ड है तो इंश्योरेंस रहता है इनका। इंश्योरेंस भी है पर वो करवाना पड़ता है, इंश्योरेंस वाले नहीं है। ये आ गई है हमारी झील, यहाँ पे कौन सी मछली रहेगी? सब सब है, सांप भी है। हाँ, वो आ गया, पर सांप तो नहीं दिख रहा है। ए धक्का उक्का नहीं मारना गलती से, मस्ती वस्ती में। सॉरी यार मैं तुम लोग को बहुत डिस्टर्ब कर रही हूँ, सब बंद हो रहे। देखो 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 बग, लेडी बग, मेरे को बहुत पसंद है लेडी बग। गाइस बहुत केयरफुल रहना, ये देखो ये कांटे वाला झाड़ है, बहुत बुरी तरह काट लिया इसने। चलते चलते बकरी चराने का टाइम हो गया है, तो यहाँ पे सारे घूम रहे हैं और ये सबसे बड़ा वाला बोले इससे दूर रहने, इसकी बड़ी बड़ी सींगे है तो बोले ये मार देगा। भैया भैया समोसे के अलावा चटनी। भैया भैया अजून का है तुमच्या कडे? भैया कडे एकच आहे, फक्त समोसे, फक्त समोसे। संध्याकाळी भजी घेऊन येणार आहे, चायनीज भजी असते। मोमोज वगैरे काय आहे क्या आपल्याकडे? सो कुछ यूट्यूबर लोगों का तरीका कैसा है ओपनिंग देने का। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, ऐसे ही बोलते ना, क्या छोड़ो अपना को ऐसे स्टाइल वाइल नहीं है। आज मुस्तफा हम लोग चाय बनाने जा रहे थे, हम हाँ। लोग देसी चूल्हा में प्रॉपरली बनाएंगे और थोड़ा नजदीक लाइयो हमें ये भी दिखाने का। तो ये है जो है हमारा चूल्हा है। स्टेप वन जो है यहाँ पे थोड़ा सा आग सिलगा रहे हैं हम लोग, अभी जो थोड़ी थोड़ी सी जली हुई है तो इसमें थोड़ा सा और आग आने के लिए क्या डालने का, ये है ना हाँ। ये या फिर कोई भी बेसिकली फ्यूल, मतलब लाइक पेपर या एनीथिंग, जिससे एक मीडियम मिल सके आग को बढ़ने के लिए। देखो देखो आग बढ़ गई, वो डाला तो देखा, तो ऐसे और बढ़ेगी, फिर आग बढ़ती जाएगी, फिर हम उसके ऊपर अपना खाना लगाएंगे। आ रहा है मेरे को कैसे करने का, बट जब तक ये अंडर किसी भी ट्रेनिंग के बिना, या अगर आपको नहीं आता तो ये खेल मत खेलो आग वाग के। वाओ अमेजिंग आग लग चुकी है, चाय रख दिया गाइस एंड यहाँ पे अमेजिंग अच्छी खासी क्वांटिटी की आग लग चुकी है। ओ वो पूरा वो भी साइड में गर्म हो जाएगा, उसको हटा देती हो ना। और यहाँ पे एक और चूल्हा, जस्ट इन केस आपको सेकंड या थर्ड डिश बनानी है वो भी कर सकते हो, चौथी डिश भी आप रख सकते हो। ये यहाँ से जो आग जो है यहाँ से यहाँ पे फैलती है। अरे हाँ मैं देखी थी उनको यहाँ पे गर्म कर रहे थे, तो बेसिकली यहाँ से यहाँ अगर आग पहुंच रही तो यहाँ पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है कि खाली गैस ही सब कुछ करता है। चूल्हा इज ऑल्सो ओपी। सॉरी गाइज मैं यहाँ पे थोड़ा सा डार्क रहेगा, बिकॉज मैं भी यहाँ पे मतलब जो किचन साइड है, किचन ही है, वहां से ब्लॉक कर रही हूँ। चूल्हे में बनाते तो कैसे है ना, आपको बहुत ज़्यादा एक टाइम पे बहुत ज़्यादा आग मिल जाती है और आपको बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए बनाने के लिए। ऐसे ही नहीं, क्योंकि मेरे को खुद को बहुत टाइम लगा उसको सीखने के लिए एंड स्टिल आई एम नॉट परफेक्ट, ना कभी हो पाऊंगी मुझे लगता है। और प्लस जो चूल्हे में बनाते हो वो खाना अगर गैस पे बनाते हो उससे कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और पूरा अलग टेस्ट का लेवल आता है, अमेजिंग लगता है।
ये देखो सारा फूक शायद हुक्का पीने में इस्तेमाल कर दिया। 3 कप चाय जो है चूल्हे में बनाए, इट्स लुकिंग वेरी मेसी क्योंकि हम लोग को आ रहा नहीं था बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो मोस्टली लोग जो है वो दूध की चाय नहीं पीते, काली चाय पीते हैं। अपनी है ना ये 3। कैसा लगा मुस्तफा? बहुत चाय, देखो चाय की शक्ल देखो। अरे लेकिन चूल्हे में बनाए वो बड़ी बात है ना। चल भाई अपना टाइम हो गया।